ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੈਰਵੇਲ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MC ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੈਰਵੇਲ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇਸ MC ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MC ਸੁਖਰਾਜ ਔਲਖ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। मेरा नाम आशुतोष है जी। अज बठिंडा शहर के समूह धार्मिक संस्थावां वल्लों जो एक कांग्रेसी कौंसलर सुखराज औलख कन्नी एक गंदी ते भद्दी शब्दावली हिंदू समाज के प्रति बोली गई है, ब्राह्मणा के प्रति बोली गई है, औरतों के प्रति बोली गई है, उसके खिलाफ़ असं एक रोश मुजहरा करते आ रहे हैं। ऐस का पहला काम नहीं है, यह लगातार विवादित बयान दिता आता पहला भी तो पिछे जे देखिए कि विधवा औरत के घर के बार मूहे भी असला लेके पहुँच गया। योजना हरकतों दियाँ पहले बार नहीं लगातार करता आ रहा है तो मैं मंग करता प्रशासन इस पर सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि जे हुण नकेल जी ना कसी गई यह अगे तो होर इदा दी हरकत करेगा जिसका हिंदू समाज कदे वर्ग बर्दाश्त नहीं कर सके। कौन है ये कांग्रेस पार्टी का कौंसलर है जी। तो 4.5 साल के अंदर जिस तरीके पंजाब का माहौल पूरे कांग्रेस ने खराब किया, उसकी लड़ी के तहत बठिंडा एक आपसी भाईचारे वाला शहर है, उसका माहौल भी यह लोग खराब करना चाहते हैं। तो मैं यदि कड़ी शब्दों के निंदा करदा, तो मैं खास करके कांग्रेस हाईकमान में बेनती करदा कि शहर दीआं भावनावां समझो, ये हिंदू शहर है, हिंदू सिख भाईचारा बना के रखना साडा फर्ज है। थोनों बेशक सत्ता लोगों ने दी है, वो सत्ता पहुँचा थोड़ा काम है, जो थोड़े तो सत्ता नहीं पहुँचाई जा रही ना तो सत्ता छड के ओपोजिशन आ जाओ। हाँ जी, अच्छ किस तरह प्रोटेस्ट किया अज साडे कहिंदे सुखराज औलख का पुतला दहन किया जा रहा, जिस तरीके उस तरीक उसकी शब्दावली है उसका सानू बहुत ठेस पहुंची है। तो 295A का परचा दर्ज करना भी असं मंग करते हैं। जे तुसी चाहते हो कि हर तरह की खबर तक पहुंचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी ऑल ते करो।